हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम चौरकुना थम्बोंग है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नमसाई अरुणाचल प्रदेश में एज ए लैब सुपरवाइजर कम LT का जॉब कर रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो में आप लोगों को ट्रूनेट मशीन के बारे में थोड़ा दिखाने वाला। ट्रूनेट मशीन वो ये वही मशीन है जो आजकल कोविड टेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये ट्रूनेट मशीन को ही आर्टिफिशियल बोल के जाना जाता है, या इसको मिनी आर्टिफिशियल बोल के भी जाना जाता है। ट्रूनेट मशीन से हम लोग कोविड का अलावा और बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया और फिलेरियासिस और बहुत सारे बीमार जो है इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली आज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा आपको दिखाने वाले। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या TB डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को पेशेंट का स्पूटम चाहिए होता है। ये वो वाला पेशेंट का स्पूटम होगा जो डॉक्टर सस्पेक्ट होके उसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए एडवाइस करेगा। तो जब पेशेंट आएगा हम उसको उसका नेम यहाँ में लिख देगा और अर्ली मॉर्निंग में उसको यहाँ तक 5 ml तक का सैंपल को लाने लगेगा। तो वो सैंपल लाने के बाद हम लोग यहाँ में अपना रजिस्टर में एंट्री करेगा और नंबरिंग करने के बाद हम लोग टेस्ट को प्रोसीड करेंगे। चलिए अभी देखते हैं टेस्ट कैसे प्रोसीड कर। ये रहा ट्रूनेट मशीन, ये मालवियो का है। ये देखिए क्वाट्रो मशीन है। ये क्वाट्रो मंस ये चार बे जिसमें होता है इसको क्वाट्रो बोलते हैं। ये इसका एक्सट्रैक्टर और ये इसका किट सब, इसका अंदर में ये आपको मिल जाएंगे। ये हो गया MTP सैंपल प्री ट्रीटमेंट पैक। इसको हम लोग लाइसिस बफर बोल के भी जाना जाता है। और साथ में इसमें और एक तो लिक्विफिकेशन बफर बोल के मिलेंगे, ऐसे इस तरह का ये लिक्विफिकेशन बफर। और इसमें ये हो गया आपका कार्ट्रिज का पैकेट, कार्ट्रिज इसमें ये कार्ट्रिज मिलेगा, हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। और ये इसमें ये MTB का चिप्स इसमें होता है। ये ऐसे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा पेशेंट का ID ये सब लाइसिस बफर में हमेशा पेशेंट का ID लिखना चाहिए सब। ये कार्ट्रिज में भी लिखना है, ये इसमें भी सगने से लिख लेना है, या तो अब लैब रजिस्टर से भी उठा सकते हैं इसको नाम इस सेक्स शब्द को, फिर ये वायल में भी लिखना है। ये सब नंबर को रिलेट होना है। सैंपल हम लोग रिसीव करने के बाद यहाँ में लाया। सैंपल लाने से पहले हम लोग हमेशा स्प्रिट लैंप को रेडी कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग डब्बा ये स्पूटम कंटेनर को खोलेगा उस समय बैक्टीरिया जो हवा में उड़ने का और हम लोग को इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, इसलिए स्प्रिट लैंप डाला लेना है। ठीक है, ठीक है ना। एक्चुअली में तो जो एडवांस लैब में उसमें वो होता है बायोसेफ्टी चैम्बर होता है, बायोसेफ्टी चैम्बर वो चैम्बर के अंदर में है ये सब प्रोसेस होता है। तो यहाँ में बायोसेफ्टी चैम्बर नहीं होने के कारण से हम लोग स्प्रिट लैंप यूज़ करते हैं। तो ये सैंपल हो गया जो पेशेंट को हम लोग लाने गया था, वो कंटेनर है ये मॉर्निंग का सैंपल जो है। तो अभी ये कंटेनर ये भाइल इसको हम लोग लाइसिस बफर बोलते हैं, और ये हो गया लिक्विफिकेशन बफर। हम लोग ये कंटेनर में ये लिक्विफिकेशन बफर एक ड्रॉप डालना है। उससे पहले हम लोग चेक कर लेना है कि ये सैंपल जो है पिपिटेबल, ये पिपिट इसको पिपिट बोलते हैं, ये पिपिट में उठाने का लायक है कि नहीं सैंपल। अगर सैंपल पिपिट में उठाने का लायक है तो इसमें ये लिक्विफिकेशन बफर नहीं देने से भी चलता है। तो हम लोग देख लेगा, देखने के बाद तो ये थोड़ा इतना उठाने का लायक है जैसा नहीं लग रहा, इसलिए हम ये दो ड्रॉप्स दे देगा, टू ड्रॉप्स देने के बाद हम
इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 5 मिनट्स रख देंगे। तो ये 5 मिनट्स हो गया। 5 मिनट्स होने के बाद हम लोग ये देखेंगे इसको। चलिए देखिए, अभी ये पिपीटेबल है, मतलब पिपीट से हम लोग उठा सकता है, उठाने का लाइक बन गया। और देखिए इसको हम लोग इसका यहाँ में मार्किंग है 0.5 ml तक यहाँ मार्किंग है, वो मार्किंग तक हम लोग उठाना है। उठा के इसमें ये भाइल में हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये पिपीट को हम लोग हमेशा स्कर्ट कर देना है, फेंक देना है, ताकि दूसरा सैंपल का साथ मिक्स ना हो। इसके बाद इसको हम लोग सैंपल को साइड में रख देना है जब तक रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ये 1 ड्रॉप फिर यहाँ में डाल देना है। 1 ड्रॉप तो काफ़ी है, 1 ड्रॉप डाल के फिर इसका ढक्कन लगा के इसको अच्छा से मिक्स कर देना है। मिक्स करके थोड़ा समय के लिए रूम टेम्परेचर में रख देना है। सैंपल जो हम लोग यहाँ में हम दिखा देंगे, सैंपल जो हम लोग 0.5 ml तक लिया है, यहाँ से जो हम लोग उठाया था वो सैंपल 0.5 तक लिया है। फिर यहाँ में ये भाइल में ये लाइसिस बफर है, लाइसिस बफर इसमें 2.5 ml का होता है, तो ये दोनों मिला के हम लोग 3 ml का हो जाता है। तो लाइसिस बफर इसमें डालने के बाद ये थोड़ा जो इसका म्यूकस जो है वो हो जाता है, टूट जाता है, और ये बाद में एक्सट्रैक्ट करने में ईजी हो जाता है, मशीन में एक्स्ट्रा करने के लिए ईजी हो जाता है, ब्लॉक में नहीं। ये जो लिक्विफाइड के लिए हम यहाँ में डाल के रखा है, ये हाल में इसको अच्छे से कर देगा। इसका बट ये पूरा का पूरा 3 ml इसमें कार्ट्रेज में डाल देगा। इसके बाद ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद ये एक्सट्रैक्टर में, ये एक्सट्रैक्टर है, ये एक्सट्रैक्टर को ऑन करके रखा है हम, इसलिए इसको अभी यहाँ में प्रेस करके इजेक्ट कर देंगे। इजेक्ट करने के बाद ये अपना खुद से आ जाएगा। तो ये इसको इस तरह यहाँ में डाल देना है, ये जो ये पोर्शन आगे तरफ होना है मशीन तरफ, ये आराम से यहाँ में डाल देना है। इसके बाद पुश कर देना है और इसके प्ले में प्रेस कर देना है। ये यहाँ में एक्सट्रैक्ट होगा जो हम लोग सैंपल डाला था यहाँ में, ये पोर्शन में वो यहाँ में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इल्यूट लास्ट में जाके ये जगह में इल्यूट आ जाएगा। यहाँ में जो RNA ट्यूबरक्लोसिस का RNA जो यहाँ में होगा, उसके बाद यहाँ से हम सैंपल को निकला के ये इसका कंटेनर है, छोटा कंटेनर, इसमें डालेगा। अभी 20 मिनट्स होने वाला है। यहाँ में 4 स्टेप्स का वो एक्सट्रैक्शन 4 स्टेप का होता है, लास्ट स्टेप जो 4th स्टेप वाला इल्यूशन बोलते हैं इसको। जैसे ही 20 मिनट्स हो जाएगा ये चीज़ जो बाहर आ जाएंगे और कार्ट्रिज तो हम लोग आराम से उधर से निकल जाएंगे। ये साउंड आने के बाद इसको आराम से खींच देना है, ये बाहर आ जाएगा। तो बस ये कार्ट्रिज को यहाँ से निकला लेना है और कार्ट्रिज सिस्टम में रख देना है। उसके बाद इसको फिर से पुश कर देते हैं। उसके बाद यहाँ में वो है उसका ऑफ बटन, यहाँ में प्रेस कर देना है और ऑफ कर देना। एक्सट्रैक्टर से कार्ट्रिज को निकलने के बाद ये पिपिट से ये पोर्शन में जो इल्यूट उसका जमा हो गया, ये पोर्शन में तो यहाँ से हम लोग इल्यूट को निकला लेना है। ये जगह में पीर्सिंग कर देना है ऐसे।
यहाँ से पूरा का पूरा इल्यूट को उठा लेना है, उठा के ये कंटेनर जो हम लोग पहले नंबरिंग करके रखा था उसमें डाल देना है। ये रहा इल्यूट 895 का, और ये ऑपरेशन का नेम, ऑपरेशन का नेम हाँ, और ये नंबर, इसको हम अभी यहाँ में बैठेंगे। पहले इसको हम फाड़ लेंगे, उसके बाद अंदर में चिप्स है, टिप्स है, और ये यहाँ में इसका मेडिसिन कुछ है, इसको यहाँ में रख देंगे। चिप्स को यहाँ में पिपीट में लगा लेंगे, ये फिक्स होता है, फिक्स पिपीट है ये 6 माइक्रोलीटर का। तो उसके बाद इसका सैंपल जो 895 का सैंपल हम पिपीट में उठा लेंगे पूरा 6 माइक्रो लीटर। देखिए आ गया ना 6 माइक्रो लीटर है। उसके बाद हम यहाँ में आराम से मिक्स कर लेंगे इस तरह। फिर 30 सेकेंड के लिए हम लोग ये रूम टेम्परेचर में इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ में एंट्री कर लेंगे पेशेंट का डिटेल्स को, इसमें टिपना है। उसके बाद MTB हम लोग अभी MTB टेस्ट कर रहे हैं, इसके MTB में टिपना है, प्रोसीड पे कंटिन्यू कर देना। उसके बाद पेशेंट आईडी हो गया आपका 895। उसके बाद मेल, हाँ मेल ठीक है, और पेशेंट नेम विकास, विकास उरांग, एज उसका 30 है, इतना में हो गया। इसके बाद सैंपल टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैंपल टाइप को हमेशा हम लोग ध्यान देना है। स्पोटम का तो चलो यहाँ में स्पोटम का तो स्पोटम ही रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है हम लोग बॉडी फ्लूइड का भी टेस्ट कभी यहाँ में आता है, तब हम लोग यहाँ में ये सैंपल टाइप को चेंज करते हैं। जैसे कि अभी बॉडी फ्लूइड का हम लोग कर गया, होने से बॉडी फ्लूइड में टिपना है। अगर और कुछ ब्लड का है, प्लाज्मा का है, सेरम का है, तो सेरम या प्लाज्मा कहीं में भी आप लोग जो सैंपल आएगा उसका अकॉर्डिंग टू टिपना है, हम लोग को सिलेक्ट कर देना है। चलो अभी हम लोग स्पोटम का कर रहे हैं, इसलिए स्पोटम में सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे में आ गया नोट्स, नोट्स में हम लोग चलो कुछ नहीं लिखने दीजिए, कुछ नहीं, इसको छोड़ के रख दीजिए। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट कर देंगे, बस ये बे आ गया, बे निकल के आ गया, और इसमें ये तो पहले का सैंपल है, पहले का चिप्स है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे बस दिन में। तो अभी का जो सब सैंपल का अलग अलग चिप्स होना है, तो ये वाला इसके लिए था, इसलिए यहाँ में हम आराम से बैठा देंगे। इसका ये यहाँ में जो पिन है और यहाँ में जो होल्ड है, जो होल में आराम से बैठा देना है। इसके बाद ये सैंपल अभी तक 30 सेकेंड हम लोग रखना था, तो 30 सेकेंड तो हो गया। उसके बाद इसको आराम से पिपीट में उठा लेना है, जितना है सभी को, सब 6 माइक्रोलीटर था, तो सब यहाँ में आ गया। उसके बाद इसमें जब हम लोग ढालते हैं तो आराम से हाथ को ऐसे रख के इसको सपोर्ट ले लेना है, ताकि हम लोग हाथ ना हिले। तो आराम से ये वाइट पोर्शन के बीच में होल है, वो होल में आराम से ढाल देना है। इतना होने के बाद यहाँ में प्लीज रूट सैंपल बोल के दिया हुआ है, उसमें हम लोग यस कर देना है। यस कर देने के बाद अपना खुद से प्रोसेस हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, और ये 40 मिनट्स का बाद रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर 40 मिनट्स होने वाला है, 40 मिनट्स होने पर एक बीच सुनाई देगा, तब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग देखते रहिए। और यहाँ में एक्सट्रैक्टर में और एक अलग टेस्ट हो रहा है। ये ग्रीन लाइट जो है, जो टेस्ट चल रहा है, ये बे 1, बे 2 एंड बे 3 में तीनों लाइट जल रहा है, उसका मतलब टेस्ट चल रहा है। ये बे और ये बे और ये बे में टेस्ट चल रहा है, और इसमें लाइट नहीं जल रहा है, मीन्स इसमें ये बे में टेस्ट नहीं चल रहा है, प्रोसेसेस
नहीं हो रहा, क्रॉसिंग नहीं हो रहा। जैसे ही 40 मिनट्स होगा और एक बीट आएगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिजल्ट को देख सके। देखिए, और ये देखिए, ये बीट बंद हो गया ना अभी, ये लाइट। तो इसको हम लोग इसका रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए हम लोग इसमें प्रेस कर देना है और ये रिजल्ट आ गया, नॉट डिटेक्टेड। नेम ऑफ द पेशेंट हो गया बोगाधर उरांग, ये उसका आईडी हो गया 896, मेल है, और रिजल्ट हो गया नॉट डिटेक्टेड।